कहा चलना भागे कि तुम्हारा पहले के बॉयफ्रेंड था वो, तुझे अकल नहीं है क्या कि मतलब मैं भाई बनाऊंगा भी बॉयफ्रेंड बनात फिर रिश्ते, इसका क्या सिस्टम है भाई, इसका साथ क्या है, तू इससे शादी क्यों कर रहा है? ये देखो मुझे ऐसा लड़का मिला है, जरूरी थी कि इन्फ्लुएंसर से शादी करना, किसी लगे लगाए शादी करते तो मैं इतना जानती हूँ दुनिया मुझे इतना कभी कोई प्यार कर नहीं सकता, इतना ये करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी कहीं। बढ़िया नहीं, बिल्कुल ख़राब है। रात में जो खाम हुआ है ना, इतनी दिक्कत है, रात भर सो नहीं पाई हूँ, रात भर इतनी दिक्कत। ए सी चल रही थी, अब मुझे जुकाम हुआ तो सर्दी हो गई है, लेकिन ऑनलाइन गर्मी लग रही थी, चक्कर में समझ लो सोफे भी लेटी हूँ रात भर ऐसे ही, बड़ी मुश्किल से काटी। मैं कभी चाय नहीं पीती, आज उठ के सवेरे हम खुद चाय बनाया, देखो चाय बन रही है। और चाय का भी ऐसे पोपट हो गया, जब चाय पीने की तितला बोल रही ना, गले में दिक्कत है, बोला भी नहीं जा रहा, तब गैस भी खत्म, लाइट भी चली गई, इंटेंस से चाय बना रही थी, अब लाइट आया तब चाय बनेगी। दर्द हो रहा है मेरे यहाँ ऊपर, पूछो मत, परेशान है हम बहुत ज़्यादा। एक बार बुखार आया लेकिन जुकाम ना हो, बहुत परेशान है रात से। अभी चाय पी के खा पी के मैं दवाई लेने जाऊँगी, हम तो मर जाएँ ऐसे अगर दवाई ले, बहुत दिक्कत है मेरे गले में। अबे 1.5 महीना है, 1.5 महीना नहीं मतलब 1 महीना है। अब ऐसे सामान लगा लो आप, अब डेली उसे चिल्ला पड़ती है डायरी के चक्कर में, संजय डेली मेरी क्लास ले जाते ही नाम लिखा करो, भूल जाती हूँ चीज़ों के। आज मैं करूँगी नाम लिखा लिखना शुरू करूँ, अब माइंड में है ऐसे लोग लिखे, मम्मी कह जाती भूल जाएंगे। गाइस आप लोग पैसा नहीं, मेरा बैग लगा के तैयार कर दिया उन्होंने जाने के लिए, नहीं जी पता है, देखो तैयार करता हूँ। अब ये 1.5 महीना पहले को बैग लगाते हैं वो, बताइए उन्हें इतनी जल्दी इन्होंने भेज भी की, कुछ रहना जाए समाई हैं, कुछ रहना जाए आ रहे हो ये दोबारा ले जाएंगे, तो जो चीज समय समय पर चला करते टाइम टाइम से। 4 दिन की चौथी चलवाई हो मेरी, जाइयो मत, नहीं 4 दिन चलवाई जाके हमारे, फिर एक मेरे घर में शादी भी है, घर में आ जाऊँ तो चली जाऊंगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। इसी तरह मैं चलती हूँ पहले दवा लेने के लिए, मैं राम राम। इधर मेरे ब्लाउज थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं, मतलब सही नहीं, सिले तो सही थे, मैं थोड़ा कुछ डिजाइन वगैरह में दिक्कत है, उनको सही कर, दवाई पहले खाऊंगी तो कुछ काम करे तो परेशान है हम सवेरे, तो पूछ मत। ब्लाउज सही कर दे मेरे, वो सही करियो भैया, दवाई दे दो, जुकाम बहुत तेज, बहुत तेज जुकाम है रात में, पता नहीं मैं कुछ खाया नहीं, ऑटोमेटिक हो गया रात, पता रात में भैया नाक सांस ले पर मुंह खोल के सोए, बहुत देख कर इतना दर्द हो रहा है इधर, बहुत परेशान हूँ। ये है सुमना दीदी का ब्लाउज, ससुराल चले जाए तो छोड़ के तुम्हें याद करो, अब जीजा जी को लेने आ रही हूँ। एक तो ब्लाउज है सही, और हाँ सारा कर देना ठीक है, मैं ले जाऊँ okay. चलो दवाई तो मैंने खाई ली आराम से, चलो हम नाप भिजवा दें, चलो हेलो बोलो, हेलो हेलो। तो गाइस अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, और ये 2 दिन बाद नहा के आई हूँ, मतलब ये समझ लो नहाने का पहले का ब्लॉग मैंने 2 दिन पहले बनाया था, और अभी ये बना रही क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, जुकाम बहुत, उस दिन आपको मैंने बताया था जुकाम, अभी आवाज़ से भी समझ आ रहा हुआ, अब बहुत रिलैक्स है, ठीक भी है सब कुछ। तो कल था मेरा एकादशी का व्रत, कल एकादशी थी, तो अब मैं एकादशी का व्रत का बंद कर रही हूँ, और अध्यापन कर रही तरीके से, तो कन्या ने खिलाई जाती है उसमें, सोच रही हूँ कन्या खिला दूँ और बंद करूँ। इसलिए अब मैं ना जस्ट नहा के आ चुकी हूँ, पूजा करूँगी क्योंकि 10:01 तक की मुहूर्त है, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, पूजा कर लूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस इधर पूजा तो हो चुकी है, कहाँ लगाएंगे, कहाँ तो गाइज मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी थी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप लोग इतनी निगेटिविटी फैला रहे हो मेरे लिए, इतनी निगेटिविटी फैला रहे हो कि लिमिट नहीं है, मतलब बहुत से लोग, मतलब सारे लोग नहीं, जो लोग हेटर हैं और जो लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते वो लोग ही बात बता रही हूँ,
सब लोग रवि को जानते हैं, रवि बजरंग दल, वो छोटा भाई है ठीक है, कि फोटो पे मेरी वीडियो लगा के उल्टा सीधा आगे धोखेबाज तू ही है, तेरी शादी में ये होगा, तेरी शादी में वो होगा, ये सारी चीज़ें जो की जा रही है सिर्फ व्यूज़ के लिए। मैंने एक बार नहीं, मैं 50 बार, मैं मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी बार चीज़ों को सामने से बोल चुकी हूँ, ब्लॉग में ये बोली है, फेसबुक पर, लाइव पर बोली, हर जगह पर बोलती हूँ कि वो बंदा ऐसा नहीं करता है, वो नहीं ऐसा करता है, उसके फेक अकाउंट वाले करते हैं। लेकिन लोगों को मैं कितना समझाऊँ, लोग चीज़ को समझते नहीं है। मैंने इतना हर किसी को समझाया इस चीज़ को लेके कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है आप लोग पता नहीं। हाँ ये कि हमारे साथ में वीडियो नहीं आती है, कुछ ना कुछ रीजन से हमारे साथ में वीडियो नहीं आई या कुछ भी है ठीक है, या फिर हम उससे बोलती नहीं हूँ मैं, या फिर कुछ भी रीज़न है वो हमारा, मतलब ये नहीं है कि धोखे के चक्कर में, फलाने के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। हो गई थी थोड़ी बहुत ऐसी बहस हमारी, और बाकी बात ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे रिश्ते हुए हो कि हाँ एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बीच में मेरी उससे बात भी हुई थी है ना, आगे आगे भी बात होगी, शादी में भी बुलाऊंगी, भाई छोटा भाई है, मैं सभी को बुलाऊंगी शादी में तो ये चीज़ है। लोग क्या है, लोग अपने व्यूज़ के लिए कुछ इतने बदतमीज लोग, उसके नाम से फेक अकाउंट बना के इतना उल्टा सीधा कमेंट, उसमें उसके सैड डायलॉग पे मेरी फ़ोटो लगा के व्यूज़ ले रहे, व्यूज़। मैंने हमेशा यही चीज़ बोली है, अगर मेरे नाम से मेरे फ़ोटो से अगर किसी की रोजी रोटी चल रही है तो चलने दो, मेरे नाम से फेसबुक पता नहीं कितने अकाउंट है, कितने अकाउंट है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे नाम से फेसबुक कितने अकाउंट है जबकि मेरे फेसबुक के इतने फॉलोवर नहीं है, मुझसे ज़्यादा मेरे फेक अकाउंट पर सारे फॉलोवर्स हैं है ना, और अच्छे व्यूज़ भी आते हैं, मेरे से ज़्यादा लाइक आते, सब चीज़ आते, तो मुझे खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मतलब मेरे वजह से पैसे तो लोग कमा रहे हैं और उनका घर तो चल रहा है, मुझे इस बात की कोई भी अंदर से वो नहीं है। लेकिन ना लोग जब पैसा कमाने के लिए मिसयूज़ करते हैं मेरी फ़ोटो का ये सब चीज़ों, तो मुझे इतना गंदा लगता है कि लोग कितने हद तक गिर गए हैं। हाँ आज तुम पैसे कमा रहे हो तो मेरी वजह से तो कमा रहे हो तो ये चीज़ है, तो गलत है ना। अब उसकी फ़ोटो पे मतलब कि उसकी वीडियो पे मेरा फ़ोटो लगा के अब कुछ भी लिख देना धोखेबाज फलाने ये चीज़, अरे भाई वो मेरे लिए बच्चा है, शुरू से मैंने उसको हमेशा बच्चा की तरह ही समझा है, हम साथ में रहे हैं बहुत दिन दिन तक साथ में रहे हैं, साथ में उठना बैठना खाना, आप भी मेरे पहले वाले ब्लॉग देख लो आपको साथ कैसे रहे हैं है ना, आगे भी शायद आपको ऐसा देखने को मिले, मैं ये नहीं कह रही हूँ, तो चीज़ें आप देखो पहले है ना। मैंने उसको भाई माना, यहाँ तक कि मेरे घर में भी ये बात लोग कह देते हैं, मेरे घर में कह देते हैं कि जितना मैंने अपने अच्छे को नहीं माना उतना मैं रवि को माना, रियल बात यही है, मैंने बहुत उसको माना है हर चीज़ को लेकर, ये नहीं कि अभी मैं उसको मानती ही नहीं हूँ कुछ, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मेरे लिए कल था वैसे आज हमेशा वैसे ही रहेगा ठीक है। चीज़ थोड़ी बीच में चीज़ें खराब हुई तो मैं इस चीज़ सोच लेती हूँ बच्चा है उसमें दिमाग नहीं है इतना, मैं बड़ी हूँ ना उससे, बात ख़त्म। तो अगर मैं उससे बोलती नहीं है कुछ भी तो इस चीज़ को लेके आप लोगों ने इतना भाई इशू क्रिएट किया है, मतलब कि फ़ायदा उठाया है, 50 लोग मेरे दरवाजे पे आते मिलने के लिए, खैर तुम्हारा को संग सही सिस्टम कहाँ है, माँ बाप को कहाँ चीज़ माँ कहाँ चल रहा वागे, क्या तुम्हारा पहले के बॉयफ्रेंड था वो, अरे यार मैं तो परेशान ही हो गई हूँ, इतनी मुझ में अकल नहीं है क्या कि मतलब मैं भाई बनाऊँ भी बॉयफ्रेंड बना फिर कुछ भी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कल 14 तारीख थी, कल मेरे और श्याम के रिलेशन को दो साल कंप्लीट हो गए, 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वो तो अच्छी बात है कि जब से मेरी श्याम से बात हुई उसके बाद रवि से मिलना हुआ हर चीज़ है ना, तो वो इन चीज़ों को दिमाग में लेते है ना, और सा लड़का होता अगर रवि मुझे पहले मिला होता उससे पहले मैं जानती होती उसके बाद श्याम मिलती तो उनके भी दिमाग में बात आती, जब इतनी बातें क्रिएट हो रही उनके सामने हर एक चीज़ मेरे उनके सामने हर चीज़ हुई है, लेकिन लोगों ने इतना उल्टा बोला। आज दिन तक मैं मतलब मैं उनके अकाउंट में मैसेज पढ़ती हूँ, उनके अकाउंट में लोग रील भेजते हैं इसका क्या सिस्टम है भाई, इसका साथ क्या है, तो उससे शादी क्यों कर रहा है, ये सब चीज़ है ना। तो ऐसी चीज़ों से ना मेरी लाइफ में इतना फ़र्क पड़ रहा है पूछो मत। अब एक घर के मेम्बर हैं नहीं, अब दो दो घर के मैं मेम्बर हूँ ठीक है, वहाँ मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं हर चीज़ देखते, अब जिस घर की मैं बहू बनने जा रही हूँ तो भाई सबको अपनी अपनी बहू सब चीज़ मतलब इंसान प्यारा हुआ ना सब चीज़ एक ही चीज़ देखते लो। अब अगला बंदा कब तक सफाई देगा आप लोग खुश हो जाओ, वो कब तक सफाई देगा कि ऐसा नहीं भाई है, बहुत से लोग तो जानते कि हम रवि साथ में सूट करने के लिए गए हैं
उनके पास भेजते हैं, उनको कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब लगती होंगी ना, कि मतलब क्या ही है। तो यार ये सब चीज़ें ना मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं, और चीज़ें ठीक भी नहीं हैं, समझ रहे ना। अब आप कुछ सोचो कि आपकी बहन की शादी होने वाली हो और ये सब चीज़ें हो रही हो, है ना। वो तो कोई बात नहीं, मेरे तो फियांसे मतलब होने वाले हस्बैंड इतने अच्छे हैं, उन्हें इसी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया उनसे बोलती है, है ना, आज उल्टा सीधा बोलती है, मतलब यहाँ तक कि लोग फेक अकाउंट बना बना के चैट करते हैं, इतने गिरे हुए हैं कि इससे क्यों शादी कर रहे हैं, इसने क्या देख लिया। हाँ क्या क्या नहीं है भाई मेरे पास, कि बस सूरत हूँ मैं, क्या ये बता दूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। क्या जो इंसान साल से मुझे जान रहे हो तो वो जानते हैं ना मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। आप लोग क्यों ज्ञान पेलते हो फालतू का। हाँ जी भैया नमस्ते। तो वाइस मिलने वाले आ गए थे भैया, हमने जबकि मना कर रखे अभी। अब ये मत कहना कि इस बार घबड़ दिखाए रहेंगे, ये तो भी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बोलने में पता नहीं कैसा लग रहा अजीब सा। हाँ चीज़ है, तो बस इसी टॉपिक के बारे में मुझे बात करनी थी। किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसा मत करो कि कुछ भी आप कुछ भी बोलते हो भाई। मेरे बारे में वो भी बच्चा है भाई, अभी इतनी उसकी एज भी नहीं है रवि की, तो ये सब चीज़ें उसके सामने आ रही हो तो उसको भी कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब लगती होंगी, समझ। उससे भी 50 लोग कहते होंगे, जब मुझसे इतने लोग कहते हैं उससे नहीं कहते क्या, सभी लोग कहते होंगे। मैं फेसबुक की लाइव चलाती हूँ अभी के बार, अभी मैंने चलाई थी रिसेंट में, तो यार इतने कमेंट, तुमने धोखा क्यों दे दिया, रवि कहाँ ये कहाँ है, उसको दिखाओ रवि को, उसका घर अलग है मेरा घर अलग है, वो सैफ ही रहता है, तो मैं कहाँ से उसको दिखा दूँगी। एक बात बता रही हूँ, वो तो क्या है कि मेरी फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, यहाँ की फैमिली अच्छी है और यहाँ से भी बहुत बहुत वहाँ की फैमिली अच्छी है। अब ये मत इस बात पे कहना कि अभी पता चलेगा ये होगा वो होगा, मेरी लाइफ है क्या होगा मैं देख लूँगी, आप लोग मत बोला करो कुछ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती, है ना। तो सच में बहुत एक लव मैरिज, मेरी लव मैरिज है, तो लव मैरिज के बाद भी इतनी अच्छी फैमिली मिलना बहुत 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 बड़ी बात है। अब लोग मुझसे भी पता होता उल्टा सीधा कहते हैं, और उनसे कहते तो मुझसे भी कहते, तो मैं यही लड़का मिला था और ये ऐसा ये वैसा। अरे भाई जिस इंसान का मैं 2 साल से हूँ तो मैं जानती ना वो कैसे है कैसे नहीं है, है ना। क्यों बोलते उनके बारे में, मुझे चीज़ पसंद नहीं आ रही है, सब जो चीज़ कर रहे हो ना कुछ भी कि मतलब सही नहीं है लड़का, अभी पछताएगी बात में, या फिर उनसे बोलते हो कि तुम पछताओ लड़की सही नहीं है। मतलब इंसान मैंने ऐसे देखा, इंस्टाग्राम पे अकाउंट होगा 0 फॉलोअर्स होंगे, फेक अकाउंट बना के कमेंट करने के लिए ही आएंगे ऐसे हैं। ये बात रियल है कि उनको दुनिया में कोई लड़की मतलब समझ नहीं आती मेरे आगे। ये मैं तारीफ वगैरह नहीं कर रही हूँ, ये मैं खुद में एक वो मानती हूँ कि मुझे ऐसा लड़का मिला है जिसके आगे लड़कियाँ पागल है, है ना, बहुत 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 लड़कियाँ पागल है, लेकिन उसे एक ही चाहिए, वो है संजना। तो वो नसीब की बात होती है ना कि इतना अच्छा लड़का मिला है, और रियल रियल बात यही है कि मुझे उन जितना अच्छा लड़का ज़िंदगी में कभी मिल नहीं सकता था, वो मिल गया ना तो सब समझो बहुत कुछ मिल गया मुझे लाइफ में, वो मिले से मिले। लेकिन मुझे फैमिली बहुत अच्छी मिली है, मेरी सासू मोम लो, मेरा जो इनका छोटे वाला है जो देवर, वो भी बहुत प्यारा है ना, मेरे जो पापा जी हैं मतलब ससुर जी, वो बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत सारे लोग इतने अच्छे सारे, बाकी मतलब परिवार के लोग भी जितने लोग आए थे, मैंने जिन लोगों से मिली सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, मतलब एक लव मैरिज होने को इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है मुझे, बहुत 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 अच्छी बात है। बहुत नम्बर होते हैं खुशकिस्मत, वो चीज़ है मेरे लिए सच में। और इन जितना लोग मुझसे कहते हैं कि ज़रूरी थी कि इन्फ्लुएंसर से शादी करना, किसी लगे लगाए शादी करते, तो मैं इतना जानती हूँ दुनिया मुझे इतना कभी कोई प्यार करने सकता इतना ये करते हैं, जितनी जी अपनी लाइफ में मुझे इम्पोर्टेंस दिया है ना, तो इतना मुझे शायद कोई दे नहीं सकता। मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें मुझे अच्छी मिल गई हैं, किस्मत है भैया मेरी अच्छी मिल गई, आप लोगों का सपोर्ट है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, सब चीज़ें, लेकिन बस चीज़ें मेरी चीज़ मेरी लाइफ इतनी अच्छी मिल गई तो मुझे ख़राब मत करो, ठीक है। और रवि मेरा कल भाई था, आज है और हमेशा रहेगा, ठीक है, ऐसा मत बोलो भाई, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, ठीक है। ये बात तो रवि खुद ही जानता होगा, है ना, कि दीदी का क्या सीन है, क्या नहीं, क्या सिस्टम है, क्या नहीं, है ना। क्योंकि जब रवि से मैं मिली थी तब मेरी इनसे बात होती थी,
इनसे मेरी बात होती थी शाम से, तो उसको हर एक चीज़ पता है हमारे बारे में, मतलब हमने चीज़ें ओपन नहीं की थी, लेकिन प्राइवेट जो लोग हमारे बहुत खास है उनको तो सबको पता था ना कि हम एक दूसरे से बात करते हैं, या फिर हमने एक शादी का प्लानिंग कर रखा है कि हम शादी करेंगे आगे ऐसा कुछ। तो भाई मैं फेक अकाउंट वालों से इतना ही कहना चाहूँगी, अपने दम पे कछु कर लो यार, और कछु हम मना नहीं कर रहे कि मेरे वजह से तुम्हारी रोटी रोजी रोटी चल रही, खूब चलाओ ठीक है, है ना, पैसा कमा रहे कमाओ, हम मना नहीं कर रहा चीज़ के लिए, हमें तो खुशी होती है कि मेरे चक्कर किसी का घर चल रहा है, लेकिन जिम मत ही करो ना कि मेरी बदनामी कर रहे तुम, है भगवान तुम माफ़ नहीं करेगा ऐसी चीज़ों से, निगेटिविटी मत फैलाओ। और मेरी इतनी अच्छी लाइफ है, लाइफ की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, तो उस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ के लिए, तो ऐसा मत करो प्लीज़। गाइस एक बात बता रहा, मैं भूल गई थी, रवि ने अपने चैनल पर खुद वीडियो डाली, उसके चैनल का नाम है रवि यादव सैफई, उसने इस टॉपिक के बारे में खुद पर्सनली बात की, लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी से गलत आ जाती है ना अपने आप को सही दिखाने के लिए वीडियो बनाई है, तो उसके चैनल पर जाके देख लो, रवि यादव सैफई, तो उसके चैनल पर जाके देख सकते हो चीज़ें, उसने भी बहुत कुछ बोला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अच्छी वीडियो के साथ अगली बार मिलूंगी, थोड़ी तबीयत ठीक हुई है, मेरी चीज़ें खराब होती जा रही हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए जो खाम की वजह से।